गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. नाउ टेक आउट योर पर्स बुक. दिस इज योर पर्स बुक. नाउ ओपन योर बुक एंड स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड टेक आउट द पेज नंबर 160. टेक आउट द पेज नंबर 160 एंड फर्स्ट वी विल लर्न द हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स नंबर इंटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, सो ये भी एक ईजी है. इसके लिए एक फॉर्मूला है दैट होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ठीक है, सो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. तो फॉर्मूला से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर बी करके बताती हूँ. ठीक है, 8.6 क्वेश्चन नंबर बी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर बी में वैल्यू कुछ इस प्रकार है. फर्स्ट की वन ऑफ वन बाई फोर. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे कि ये 1/4 है ना, 1 और 4 है ना, तो 1 into 4. ठीक है, 1 into 4, और ये जो वैल्यू है इसको आपको प्लस कर देना है. ठीक है, सो आपके और ये जो डिनोमिनेटर है आपका एज इट इज रहेगा. ठीक है, हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन इस नंबर से प्लस किया. ठीक है, सो 1 4 4 प्लस 1 = 4. सो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5/4. ये हमने क्या कर दिया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, कंपैरिजन टू न्यूमरेटर छोटा होता है. समझ आया आपको ये वाला पॉइंट? अब क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड वाला भी मैं आपको करके बताती हूँ. ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू है 1 2/3. ठीक है, सेकेंड वाली वैल्यू है आपकी 1 2/3. अब 1 2/3 है तो मैंने आपको बताया इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को साथ में, देन इस वाले के साथ कर देंगे प्लस. ठीक है, ऊपर वाले नंबर के साथ मीन्स न्यूमरेटर के साथ प्लस कर देंगे. ठीक है, और नीचे आएगा डिनोमिनेटर की वैल्यू 3. 1 3 = 3 + 2/3. सो 3 + 2 = 5, 5/3. सो आपकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 5/3. समझ आया आपको कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है? ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी, कंपेयर द फ्रैक्शंस. क्वेश्चन नंबर सी क्या है स्टूडेंट्स, आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शन को. ओके, सो आपके पास वैल्यू है कि फर्स्ट की वैल्यू है स्टूडेंट्स 6 3/5, देन ये बॉक्स, देन 14/5. प्लस पॉइंट ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इसको पहले कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो 6 × 5 + 3/5. ठीक है, 6 × 5 = 30, 30 + 3 = 33/5, और ये है 14/5. अब मुझे ये बताओ कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो इसकी साइड पे हो जाएगा माउथ ओपन और इधर आ जाएगा ग्रेटर देन की साइन. ओके, जस्ट लाइक दैट. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? अब मैं आपको एक और वैल्यू करके बताती हूँ, एक और सम सॉल्व करके बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, 5 4/9 and 8/7. ठीक है, ये है. पहले क्या करेंगे, इन लोग को सॉल्व कर देते हैं. 5 9 + 4/9. ठीक है, 5 9 = 45, 45 + 4 = 49, 49/9 आ रहा है. ठीक है, अब इधर है 8/7, देन वापस से 8/7. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं. देखो स्टूडेंट्स, मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, एलसीएम इसका निकाल रही हूँ. ठीक है, अब 9 और 7 है, ये दोनों किसी के टेबल में नहीं जाते, तो हम 9 7 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 9 7 = कितना होगा, 63. वेरी गुड, सो 63 हो रहा है.
तो 49 by 9 और 8 by 7, ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास इधर दो डिजिट है और इधर एक सिंगल ही डिजिट है, तो अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इसकी वैल्यू कम ही आएगी, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको करना है तो मैं करके बताती हूँ। 7 9 63, 4 7 28, ओके, 28 प्लस 6 303, सो 303 अपॉन 63, और 8 9 72 अपॉन 63। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 303, तो इसके आगे आ जाएगी ग्रेटर देन की साइन, मीन्स आपके पास ये वैल्यू ऐसे आएगी। समझ आया स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट कैसे करना है? ओके गुड। नाउ स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज सी, होमवर्क एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर बी एंड सी, ओके, दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इन योर सी डब्ल्यू, ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।